बच्चों, अभी जो मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ये क्वेश्चंस मैंने एनसीईआरटी बुक से लिया हुआ और ये क्लास 10 का क्वेश्चन है। चैप्टर्स का नाम है एरिया रिलेटेड रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 7। अ क्वाड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर। फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। देखिए, क्वेश्चन में बोल रहा है कोई एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है और जो रेडियस है वो सेंटर के साथ कितना 120 डिग्री एंगल बनाता है। ठीक है, तो इसमें और जिसमें कि ए बी एक कॉर्ड है जो इस सर्कल को दो भाग में डिवाइड करता है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ये जो सेक्टर है जो इस सेक्टर्स पे जो एरिया ऑफ सेगमेंट्स बनाता है, सेगमेंट एरिया ऑफ सेगमेंट मतलब जो कॉर्ड्स इस सेक्टर्स को डिवाइड कर रहा है, तो उसका हमको एरिया निकालने के लिए बोल रहा है। तो ठीक है, तो रेडियस हमको दिया 12 सेंटीमीटर, एंगल कितना है 120 डिग्री दिया है, तो एरिया ऑफ सेगमेंट हमको क्या, एरिया ऑफ सेगमेंट मतलब ये निकालने के लिए बोल रहा है ये सेगमेंट का, तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर्स मतलब ये पूरा सेक्टर्स का एरिया निकालेंगे माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल माइनस कर देंगे तो मेरा एरिया ऑफ सेगमेंट ये मेरा निकल जाएगा। ठीक है, तो जब एरिया ऑफ सेक्टर्स का फॉर्मूला क्या होता है, वो ए बी पी इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो इसको क्या किया, 120 डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू 12 का स्क्वायर। तो अभी इसका कितना है डिवाइडेड बाई, सॉरी ये कितना 22/7 इंटू डिवाइडेड बाई 3 है, तो इसको हम सॉरी इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 12 का स्क्वायर, तो 144 इक्वल टू दैट इज इक्वल टू 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मेरे एरिया ऑफ सेक्टर्स का वैल्यू कितना हो गया, 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, क्या किसका वैल्यू निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी का एरिया निकालेंगे। तो देखिए, ये ड्राइंग इसी तरह है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इसी तरह है ना। तो अब देखिए, ये मेरा सेंटर है, ये मेरा रेडियस है ओ ए और बी, और ये भी एक कॉर्ड है। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, ठीक है, कि कोई भी यदि हम सेंटर से कोई भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं कॉर्ड पे, तो उस कॉर्ड्स को क्या करता है, इक्वली बाइसेक्ट करता है। ठीक है, इक्वली बाइसेक्ट करता है और उस एंगल को भी इक्वली बाइसेक्ट करता है। ठीक है, देखिए इक्वली बाइसेक्ट क्यों करता है कि देखिए, अब मान लीजिए इस ट्रेंगल्स को हम लेते हैं, ट्रेंगल ओ ए बी, मान लीजिए ट्रेंगल हम कौन सा लेते हैं, ये ट्रेंगल ओ ओ ए एम और ओ बी एम लेते हैं दोनों ट्रेंगल को। तो देखिए ये कॉमन आएगा मेरा, ठीक है, ये सॉरी ये इक्वल है और ये मेरा बेस है और ये मेरा हाइपोटेनस है और ये एक्चुअल 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है और ये एंगल ये साइड और ये साइड दोनों ट्रेंगल्स में इक्वल है। तो हमने आरएचएस में क्या पढ़ा था कि कोई किसी भी ट्रेंगल्स में यदि हाइपोटेनस दोनों ट्रेंगल्स का सेम रहे और कोई भी साइड एक दोनों ट्रेंगल्स का इक्वल हो, तो क्या होता है, दोनों ट्रेंगल्स कॉन्ग्रुएंट होता है। तो क्या होता है, आरएचएस से ये दोनों ट्रेंगल्स क्या हो गया, ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। और जब ये कंग्रेंट हो गया तो ये एंगल भी मेरा इक्वल हो गया सीपीसीडी से, तो दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए ओ एम इज इक्वल टू एंगल बी ओ एम इज इक्वल टू हाफ एंगल ए ओ बी लिख सकते हैं, यस या नो। तो आप क्या करते हैं, दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू एंगल ए ओ बी, कितना है ए ओ बी मेरा है 120 डिग्री, 120 डिग्री कितना होगा 60 डिग्री। तो मेरा एंगल ए एम एंगल बी एम कितना हो गया 60 डिग्री, मतलब ये मेरा एंगल कितना हो गया 60 डिग्री, ये 60 डिग्री हो गया। अब क्या है कि ये एक ट्रायंगल है, तो पहले इस जो बेस का है उसका लेंथ कितना होगा और इसका जो परपेंडिकुलर है मतलब ये हाइट है उसका कितना होगा। तो देखिए हम क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में क्या है कि ये 90 डिग्री तो ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनस हो गया। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कौन सा ये लगाएंगे कि ये दोनों रिलेशन साथ में आएगा, तो साइन 60 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर ए एम बाय हाइपोटेनस दैट इज ओ ए, दिस इंप्लाइज तो साइन 60 का क्या होता है, दैट इज √3/2 होता है इक्वल टू ए एम का वैल्यू हमको पता नहीं है, ए एम और ए ओ का वैल्यू हमको ये कितना दिया हुआ है, दैट इज 12 दिया है। तो हम यहाँ से ए एम का वैल्यू निकालते हैं, तो ए एम इक्वल टू कितना हो गया 12√3/2, ये हो गया। सिमिलरली
सिमिलरली हम क्या करते हैं, सिमिलरली कौन सा ट्रायंगल, सिमिलरली हम OBM OMB निकालते हैं, तो इसमें क्या एंगल 30 डिग्री होता है, वो कितना हो गया, यदि साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो गया, दैट इज MB बाय कितना हो गया, दैट इज 12। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज कितना हो गया, दिस इम साइन 30 इक्वल टू √3/2 इक्वल टू MB/12 हो गया, तो MB का वैल्यू कितना हो गया, 12√3/2। ठीक है, इसका भी 12√3/2, और हम क्या लिख सकते AM प्लस MB इक्वल टू क्या हो गया, दैट इज AB हो गया ना, तो इसका हम टोटल लेंथ कितना हो गया MB का, 12√3/2 प्लस 12√3/2, दैट इज इक्वल टू कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू 12√3, तो हमारा AB का वैल्यू कितना हो गया, दैट इज 12√3 सेंटीमीटर। एक हो गया, दूसरा चीज क्या है कि हमको अब OM दैट इज परपेंडिकुलर निकालना है, तो परपेंडिकुलर निकालने के लिए cos 60 इक्वल टू क्या हो गया, बेस बेस कितना हो गया, OM बाय 15 निकालते हैं, 12, तो cos 60 का कितना हो गया, दैट इज दिस इंप्लाइज हाफ इक्वल टू OM बाय 12, तो OM का वैल्यू मेरा कितना हो गया, दैट इज 26, OM का वैल्यू 6 सेंटीमीटर आ गया। देखिए अब हमको बेस का भी वैल्यू पता चल गया, परपेंडिकुलर, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो गया, है ना। अब देखिए यहाँ पे हाफ इंटू बेस का वैल्यू कितना हो गया मेरा, दैट इज 12√3 इंटू हाइट का कितना हो गया, दैट इज 6, तो कितना 2 3 6, तो हमको कितना आ गया, 12 36√3, दैट इज इक्वल टू 36 × 1.732। देखिए अब इसको इंटू करते हैं, 36 × 1.732 दैट इज इक्वल टू 62.35 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ओके, अब देखिए ये मेरा ये हो गया, तो हमको क्या एरिया ऑफ क्या निकालना था, एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है, तो एरिया ऑफ सेगमेंट किसका, एरिया ऑफ सेगमेंट दैट इज ए पी बी था ना, इज इक्वल टू कितना, एरिया ऑफ सेक्टर का वैल्यू कितना है मेरा, दैट इज 150.72 और माइनस 62.35 आ गया, तो इसको माइनस करते तो कितना आ गया, 88.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन में हमको यही निकालने के लिए बोला था कि क्या निकालने के लिए बोला था, फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल, तो मेरा यही आंसर हो गया। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।